नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीवीआर आयोनॉक्स के बारे में। पीवीआर आयोनॉक्स से जुड़ी एक नया अपडेट आया है। इसमें अपडेट में क्या लिखा है, तो नो एड ओनली मूवीज, ऐसा एक पूरा सा एक न्यूज आर्टिकल छपा है, जिसमें कहना है कि पीवीआर और आयोनॉक्स जो मेट्रोस एरिया में इनकी स्क्रीनिंग चलती है, उसमें जो है ना एड नहीं दिखाया जाएगा। एड कब आता था, तो इंटरवल में आता था, स्टार्टिंग में आता था, तो ये जो एड का टाइमिंग रहता था अब उसको खत्म कर दिया गया, और वो भी मेट्रो वेस्ट एरिया में। ये क्यों किया गया है, तो एक तरह से ना जो आते हैं कस्टमर उनको लुभाने के लिए एक तरह से नया स्कीम तरह से लॉन्च किया गया। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो है ना हम पूरा आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो गिरावट आपको 4 दिन से देखने को मिल रही है, वो है एक रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस एरिया पे कभी भी आता है तो एक तरह से दबाव देखने को मिलता है। पुराने वीडियो में डिस्कस किए थे, जब तक ब्रेकआउट ना ले तब तक ना एक बड़ा एक मूवमेंट अपसाइड नहीं देखने को मिल सकती है। और अभी बात करें इसमें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में भी कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी 55 क्वांटिटी ऑफ शेयर से हल्का सा एक बाइंग पोजीशन बनी है, लेकिन एक चीज़ अच्छा देखने को मिल रही है, वो है डिलीवरी बेसिस। डिलीवरी बेसिस जो है ना 53% का, जो इसको मंडे के दिन अपसाइड ले जाने में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो रेजिस्टेंस एरिया से डाउन आता भी है ना, तो इतना ज़्यादा डाउन नहीं आता कि आपको फिर दोबारा 1248 पाना पड़े। यहाँ से हल्का सा गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी सपोर्ट एरिया की बात करें तो 1371 का एक सपोर्ट एरिया रखिए, ये जो कैंडल का लो है बराबर ना, इस कैंडल के लो तक आप सपोर्ट एरिया रखिए। यहाँ से एक मूवमेंट जब अपसाइड दोबारा लेता है तो फिर हमें हमको ना अपसाइड देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 1424, जैसे इसको फिर दोबारा ब्रेकआउट लेता है तो 1500 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकती है। अगर ये 1500 निकलता है तो फिर 1640 रुपये तक का देखने को मिल सकता है आपको। फिर इसमें क्या है, कल मंडे के मार्केट में पक्का एक थोड़ा सा ना जंप जरूर देखने को मिल सकती है। 22 अगर कोई रिकमेंडेशन है, जय हिंद।